अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदाज चैनल आज हम प्रेजेंट इंडा टेंस की थर्ड एंड द लास्ट सब टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इससे पहले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडा टेंस की पहली दो ब्रांचेस को डिस्कस किया जिनका नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हम उसकी थर्ड सब ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बेसिकली क्या होता है कि ये जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन और एनी टास्क दैट स्टार्टड इन द पास्ट एंड कंटीन्यूस इन प्रजेंट हर वो एक्शन या कोई भी काम या कोई भी एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेस एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेस करता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी टास्क जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में वो, वो अभी कंटिन्यू है अभी कंप्लीट नहीं हुआ जैसे कि आपको नाम से ही आप इसको देखें कि कंटीन्यूस वर्ड यूज हुआ है तो कंटिन्यूस मीन जारी है अभी तो इसकी Uh, सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसके जो उर्दू फिक्रे होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में वर्ड क्या आएगा जिससे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है इस इनके सेंटेंसेस के आखिर में रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ रही हूँ वगैरह आते हैं लेकिन अब देखें यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यही आइडेंटिफिकेसन प्रजेंट कंटीन्यूस सिंपल प्रजेंट कन्टीन्यूस टेंस की भी यही उर्दू में पहचान है कि उसके जुमलों के आखिर में भी रहा है रही है रही हूँ वगैरह आता है बट इन दोनों को आपने डिफ्रेंश कैसे करना है कि इसमें रहा है रही हूँ के साथ किसी भी टाइम का भी टाइम का ज़िक्र ज़रूर होगा जैसे कि जैसे मसलन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो सुबह से खेल रहा है तो अब यहाँ पे टाइम का ज़िक्र हुआ है कि वक्त का जिक्र तो हुआ सुबह से ठीक है तो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जबकि अगर ये सिंपल होता अगर ये हम सिंपल कहते वो वो खेल रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता जब हमने इसके साथ टाइम को साथ अटैच किया है लगाया है ज़माने में इसमें वक्त का इज़हार ज़रूर होता है मसलन वो सुबह से खेल रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जैसे कि हम कल से सो रहे हैं अगर हम देखें हम सो रहे हैं कहते तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता लेकिन जब हमने यहाँ पे टाइम को भी इंडिकेट किया है हम कल से कब से सो रहे हैं कल से सो रहे हैं तो यहाँ हमने टाइम को शो किया है कि किस वक्त से हम सो रहे हैं क्या हम कल स, दो घंटे पहले से सो रहे हैं सुबह से सो रहे हैं कल से सो रहे हैं शाम से सो रहे हैं तो यहाँ हमने जो टाइम है उसको आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे तो हम कल से सो रहे हैं तो आपने इसको पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल टेंस के सेंटेंसेस की पहचान में आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ आया होगा सेंटेंस के आखिर में तो वर्ड सेम लगता है बट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें वक्त का इजहार भी किया जाता है साथ जैसे सुबह से शाम से कल से दो घंटे से तो इसमें टाइम का जो इजहार ज़रूर किया जाता है तो इस जब ये टाइम का इजहार किया जाता है तो इसके लिए दो वर्ड यूज़ होते हैं सेंटेंस में सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है और जिस सेंस किसके साथ इस्तेमाल होगा और फॉर कौन से सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल होगा हम चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जब आपने इसकी पहचान कर दी उसके बाद नेक्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो हैं हैज बीन और हैव बीन हैज बीन किसके साथ यूज़ होता है सिंगुलर्स के साथ ही शी इट के साथ हैव बीन फ्लोरल के साथ यूज़ होता है आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जस्ट हैज़ और हैव थे जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ बीन का इस्तेमाल हुआ बीन मीन्स कंटिन्यू तो हैज़ बीन और हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब हो गए इसके फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी प्लस आई एन जी बिकॉज ये कंटिन्यू है अभी कंटिन्यूस टेंस में बी इसमें एडिशन है तो उसमें कंटिन्यूस की मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा चाहे वो प्रेजेंट के कंटिन्यूस हो पास्ट का हो या फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस हो उसमें इंक फॉर्म यूज़ होती है फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी का इजाफा होता है तो इसको बनाने का तरीका क्या है जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि फेल की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब फेल की पहली फॉर्म मीन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं और उससे पहले क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के साथ हैज़बीन और याव बीन को हेल्पिंग वर्ड के तौर तो पर इस्तेमाल करते हैं हेज़बीन किसके साथ इस्तेमाल होता है जो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ हीशी इट के साथ और या किसी सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं जबकि हैवबिन को हम आई देू हुई या प्लूरल नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं और वक्त का इज़हार करने के लिए हम क्या, क्या कौन से दो वर्ड्स यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं अब आपको पता हो कि सिंस किसके साथ यूज़ होता है और फॉर किसके साथ यूज़ होता है यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल मस्ट होगा जो आपके टाइम को इंडिकेट करेगा वक्त का इजहार करेगा अदरवाइज़ ये सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस बन जाएगा अगर आप इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा अब जो मकर वक्त के साथ किसी भी वक्त का जब हम बात करेंगे तो उसके साथ सिंस और मकर मुद्दत के साथ फ़ार का इस्तेमाल करेंगे कैसे फॉर एग्जांपल मकरर वक्त से क्या मुराद है अब दो वर्ड यूज़ हुए हैं मकर वक्त और मकर मुद्दत मकर वक्त मीन सुबह शाम कल रात जिसका हमें पता है वक्त का ठीक है दिन तारीख आज क्या है महीना क्या है साल कौन सा है वगैरह ये हमें पता है जबकि मकर मुद्दत से मराद क्या है मतलब दो दिन जिसमें हम जो टाइम को शो करता है बेसिकली ये टाइम को शो करता है टू आवर्स टू डेज फोर इयर्स थ्री आवर्स थ्री मिनट्स तो ये आप उस, उसके साथ फॉर का इस्तेमाल होगा तो सिंस और फॉर के इस्तेमाल का आपको यहाँ पे क्लियर अपना रखना है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है सिंस किसके साथ यूज़ होगा जैसे मॉर्निंग इवनिंग टुडे टुमारो मंथ्स कोई नेम आ गया किसी मंथ का नेम आ गया किसी डे uh, 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 का नेम आ गया मंडे ट्यूसडे वेनसडे उसके साथ आपने सेंस यूज़ करना है जबकि अगर किसी जबकि टाइम की बात हो रही है टाइम में कोई भी टाइम हो टू आवर्स हैं टू ईयर्स हैं टू मिनट्स हैं टू डेज़ हैं तो वो सारे उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस की जो डिफरेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस से वो यही है कि इसमें हम वक्त का इज़हार करते हैं और उसके इज़हार के लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं सिंस और फॉर सिंस किसके साथ यूज़ होगा और फॉर किसके साथ यूज़ होगा ये मैंने आपको बता दिया अब सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर इसका क्या है कि सेंस और फार को और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है वो कैसे बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जो भी लगता है प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा प्लस आप जो इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस सेंस या फॉर का इस्तेमाल प्लस टाइम जो भी है उसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है हम कैसे ये सिंस और फॉर दो वर्ड्स जो प्लस जो टाइम को शो करते हैं ये सिंस मंडे सिंस ट्यूसडे और ये ऑब्जेक्ट से पहले लगते हैं ठीक है, है? यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ़ सेंटेंस में फॉर एग्ज़ाम्पल वो सुबह से खेल रहे हैं वो सुबह से खेल रहे हैं अब यहाँ पे वक्त की बात हो रही है सुबह आपने इससे पहचाना कि सुबह इट मींस कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस है रहे हैं इसकी पहचान है और साथ ही वक्त का इज़हार किया है सुबह से अगर ये सेंटेंस होता वो खेल रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटीनी टेंस बन जाता वो सुबह से खेल रहे हैं तो यहाँ पर वक्त का इज़हार भी है और रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस है वो ज़्यादा हैं दे दे के साथ क्या यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्लेइंग खेल रहे हैं प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म प्लस एडिशन ऑफ आई एन जी आई एन जी का इजाफा और उसके साथ किसका इजाफा करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले आपने सिंस और फॉर टाइम जो है वो आपने ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है प्लस आपने देखें सुबह से तो सिंस मॉर्निंग यहाँ पे मकर वक्त की बात हो रही है मुद्दत की बात नहीं हो रही है मकर वक्त की बात हो रही है तो आप सेंस मॉर्निंग लगाएंगे जैसे हम दो घंटों से पढ़ रहे हैं जब भी हावर्स की बात हो तो हम जो है फॉर लगाएंगे जब किसी डेज़ की मंथ्स की ईयर की मॉर्निंग इवनिंग डे टू डे टमारो तो हम सेंस लगाएंगे हम दो घंटों से पढ़ रहे हैं हम वी वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हैव बीन वी हैव बीन पढ़ रहे हैं रीड इज़ द फर्स्ट फॉर्म प्लस एडिशन ऑफ आई एन जी रीडिंग वी हैव बीन रीडिंग दो घंटों से दो घंटों से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो आपको दो घंटे हावर्स का आपको पता है कि कितने घंटे हैं तो फॉर टू आवर्स आपको जब स्पेसिफ़िक टाइम का पता हो तो वहाँ पे आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे फॉर टू आवर्स दे वी हैव बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स वो पाँच मिनट से रो रही है वो रही है अब ये सिंपल होता वो रो रही है तो प्रेजेंट टेंस वो पाँच मिनट से रो रही है तो अब यहाँ पे टाइम को स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि कितने मिनट से रो रही है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस है वो शी शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन शी हैज बीन रो रही है वीपिंग फाइव मिनट्स टाइम हमें पता है कि कितने मिनट से रो रही है तो जब टाइम का स्पेसिफिक हमें पता है तो फॉर फाइव मिनट्स शी हैज़ बीन वीपिंग फॉर फाइव मिनट्स इसका नेगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट ये सिंपल सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है नेगेटिव मनफी जुमले बनाने का क्या तरीका है कि आपने आ, इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हैज़ और हैव के हेज़ बीन और हैव बीन के मिडल में आपने नॉट का इस्तेमाल करना है हैज़ बीन याव बीन के दरमियन में मिडल में आपने नॉट का इस्तेमाल करना है लगाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखें सब्जेक्ट हैज़ हैव हैव हैज़ प्लस नॉट देन बीन का इस्तेमाल होगा ऐसे नहीं करना कि हैज़ बीन नॉट नहीं हैज़ नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आगे वाला स्ट्रक्चर सेम है जैसे हमने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपने ये सिंस और फॉर जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट से पहले आएगा ठीक है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम नेगेटिव बनाते हैं जब वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं वो दे हैव हैव बीन अब मैंने नहीं लगाया बल्कि हैव नोट बी हैव बीन हेल्पिंग वर्क के बीच में मैंने नोट का इजाफा किया है नेगेटिव सेंटेंस बनाया है दे हैव नॉट बीन देव बी नोट नहीं लगेगा बल्कि दे हैव नोट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग सुबह से वक्त का इजहार हो रहा है तो यहाँ पर आप लगाएँगे सिंस मॉर्निंग हम दो घंटों से नहीं पढ़ रहे हैं वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स दो घंटे घंटों का हमें पता है कि एग्जैक्टली exactly कितने आवर्स हैं तो फॉर टू आवर्स वो पाँच मिनट से नहीं रो रही है शी हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर फाइव मिनट्स आपने नेगेटिव सेंटेंस और इंटरवे नेगेटिव सेंटेंस का ख्याल रखना है आपने के आपने हेल्पिंग वर्ब के हैज़ बीन के मिडल में नॉट लगाना है या हैव बीन के मिडल में नॉट लगाना है और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल सेम है जैसा आपने सिंपल सेंटेंस में बनाते वक्त किया है बट आपने नॉट के इस्तेमाल में केयरफुल रहना है और सेंस और फॉर का इस्तेमाल आपने केयरफुली करना है अगर आप यहाँ पे फॉर की जगह सेंस लगाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा नेगेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका का स्ट्रक्चर क्या है उसमें हम हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लाते हैं पूरा हैज़ बीन या हैव बीन को उठा कर नहीं लाएंगे ये या आपने याद रखना है कि जस्ट हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आएंगे और सब्जेक्ट के बाद फिर आप बीन लगाएंगे ये इसका रूल है और एट द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में देखें हैज़ और हैव जो भी लगता है सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंगली प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा ऐसा नहीं होगा कि हैज़ बीन और फिर सब्जेक्ट आए हैज़ और हैव सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो आपने ऑब्जेक्ट से पहले करना है ठीक है सिंस और फॉर का इस्तेमाल टाइम के लिए एट ऑब्जेक्ट uh, से पहले और क्वेश्चन मार्क जैसे उसी को हमने किया क्या वो सुबह से खेल रहे हैं हैव हैव सब्जेक्ट दे बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस आई एन जी प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एडिशन ऑफ आई एन जी सिंस और फॉर का इस्तेमाल में से चूज करना है आपने सिंस मॉर्निंग दे हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्या हम दो घंटों से पढ़ रहे हैं हैवी हैवी बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है क्या वो पाँच मिनटों से रो रही है हैज़ शी बीन वीपिंग फॉर फाइव मिनट्स हैज़ हेल्पिंग वर्ब शी इज़ सब्जेक्ट बीन हेल्पिंग वर्ब हैज़ के सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है ठीक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी सेंस और फॉर का इस्तेमाल एंड देन टाइम को आपने आइडेंटिफाई करना है ये इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं उसमें हम नेगेटिव भी लगाते हैं और इंटरोगेटिव भी लगाते हैं उसका बनाने का तरीका क्या है कि हैज़ या हैव लग सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते फॉर एग्जाम्पल देखें स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस से आप देखें हैज़ या हैव स्टार्ट में लेके आएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट देन आन लगाएंगे फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट से पहले सिंस आर फॉर का इस्तेमाल यहाँ करेंगे देन ऑब्जेक्ट ठीक है जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं हैव ज़्यादा हैं प्लूरल सब्जेक्ट दे नॉट बीन प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस आई एन जी मॉर्निंग हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग इसमें आपने ख्याल रखना है के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा फिर बीन लगेगा फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा फिर सेंस और फॉर का इस्तेमाल होगा आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की समझ आई होगी इसको Uh, समझने का बेस्ट तरीका ये है कि इसमें आपको टाइम की टाइम का ज़िक्र इस टेंस में ज़रूर होगा जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइम का ज़िक्र नहीं होगा तो आपने इस इस टेंस में याद रखना है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा जब टाइम की बात होगी तो आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़रूर लगाना है अदरवाइज़ वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है और उसके बाद इसके जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आई एन जी का एडिशन ऑफ आई एन जी तो हम इसकी जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करें करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस के जो की पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस के की uh, पॉइंट्स जो हैं उसी तरीके से हैं जिस तरीके से uh, जैसे हमने उसको डिस्कस किया था कि हैज़ बीन हैव बीन सब्जेक्ट के साथ uh, सिर्फ में इसमें यही फ़र्क है कि टेंस में इस टेंस में uh, जब भी ज़िक्र आता है uh, टेंसेस में महीनों साल वक्त सुबह शाम वगैरह का जिक्र आता है uh, तो वो कंटीन्यूस टेंस के जुमलों में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस के जुमलों में होता है ठीक है uh, mm. इसमें वक्त का इज़हार जो मैं आपको बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि वक्त का इजहार ज़रूर होता है वक्त का इजहार जब होगा तो आपका ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से डिफरेंट होगा तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक देखें लाइक करें कमेंट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस के साथ हाज़िर होंगे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़